कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में ना तोला जाए। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में ना तोला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान ना समझ। क्या कहना? वाह 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 वाह, शुक्रिया। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, शुक्रिया। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता, मुझको मजहब के तराजू में ना तोड़ा जाए। मैंने इंसान की रहने की कसम खाई, मुझको हिंदू या मुसलमान। क्या कहना दोस्तों? आप लोग उर्दू से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अल्लाह का करम उर्दू के मुझ पर भी कई एहसानात। मेरा जी चाहता है कि आज आप तमाम हजरात की मौजूदगी में अपनी जिंदगी की एक खूबसूरत सच्चाई का एतराफ करूं। इस एतराफ में मैं दो मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूं। मसला हो गया हो तो मुझे भी अपनी दुआओं से नवाज दीजिए। मेरी उर्दू के चंद लफ्ज है जब से जबान पर। वाह वाह अशोक भाई, वाह वाह। उर्दू के चंद लफ्ज है जब से जबान पर, तहजीब मेहरबान है मेरे खानदान। क्या कहने? उर्दू के चंद लफ्ज है जब से जबान पर, तहजीब मेहरबान है मेरे खानदान। दोस्तों एक बात अर्ज करता चलूं कि अभी पिछले दिनों इसी सूबे के एक मिनिस्टर ने उर्दू को दहशतगर्द जबान कहा। मैं माइक से उसके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मैंने सच्ची और अच्छी बात की तो मैं चाहता हूं कि आपकी तालियां फजा में लहराती भी दिखाई दो। मैंने यह अर्ज किया कि उर्दू के चंद लफ्ज है जब से जबान पर, तहजीब मेहरबान है मेरे खानदान पर। छुट्टन भाई, कि मेरी उर्दू को दहशत गर्द जिसने भी कहा होगा। वाह 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 वाह, शिरकत कीजिएगा। वाह वाह वाह, कि मेरी उर्दू को दहशत गर्द जिसने भी कहा होगा, उसे तो अपनी माँ का दूध भी कड़वा लगा। तो मैंने ये किया कि उर्दू के चंद लफ्ज है जब से जबान पर, तहजीब मेहरबान है मेरे खानदान पर। मेरी उर्दू को दहशत गर्द जिसने भी कहा होगा, उसे तो अपनी माँ का दूध भी कड़वा लगा। वाह वाह, उसे तो अपनी माँ का दूध भी कड़वा लगा होगा। बतौर खास चांद मिश्रे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और कहता हूँ कि काफिरों के लिए फकत एक शोर, काफिरों के लिए फकत एक शोर, मोमिनों के लिए अजान हूँ मैं। वाह 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 वाह, क्या बात है! मोमिनों के लिए अजान हूँ मैं, ऐ नई नस्ल मुझको गौर से पढ़, गालिबो मीर की जबान हूँ। क्या कहने वाला? अरे नई नस्ल, अरे नई नस्ल मुझको गौर से पढ़, गालिबो मीर की जबान हूँ मैं, लबों से चूम कर इजहारे उल्फत ही नहीं करते। वाह वाह, लबों से चूम कर इजहारे उल्फत ही नहीं करते, गुलिस्ताने अदब को हुस्न और खुशबू भी देते हैं। लबों से चूम कर इजहारे उल्फत ही नहीं करते, गुलिस्ताने अदब को हुस्न और खुशबू भी देते हैं। तुम्हारी खिदमत उर्दू बहुत मशहूर है बेशक, मगर उर्दू को अपना खून हम हिंदू भी देते हैं। तुम्हारी खिदमत उर्दू बहुत मशहूर है, क्या कहने, मगर उर्दू को अपना खून हम हिंदू। वाह वाह, मगर उर्दू को अपना खून हम हिंदू भी देते हैं। मिसरे मुलायजा फरमाए कि बहुत से काफिए आवाज
देते हैं कि मैं आऊं। क्या बात है, ये फंशराफ लोगों का शहर। कैसे बहुत से काफिए आवाज देते हैं कि मैं आऊं, रदीफे खुद मचल कर फिक्र को बेताब कर। क्या बात है, बहुत से काफिए आवाज देते हैं कि मैं आऊं, रदीफे खुद मचल कर फिक्र को बेताब करती है। मैं जब तुझ पर गजल कहने की नीयत बांध लेता हूँ तो तस्बीह कनीजों की तरह आदाब करता हूँ। बहुत से काफिए आवाज देते हैं कि मैं आऊं, रदीफे खुद मचल कर फिक्र को बेताब करती है। मैं जब तुझ पर गजल कहने की नीयत बांध लेता हूँ तो तस्बीह कनीजों की तरह आदाब करता हूँ। क्या कहने, तो तस्बीह कनीजों की तरह आदाब करती है। आप जैसे प्यारे लोग कभी कभी रुकते में आते हैं, जी चाहता है कि चंद शेर और आपकी खिदमत करता हूँ। देखो मैं ठीक पढ़ रहा हूँ साहब, अगर मैं ठीक पढ़ रहा हूँ तो एक बार तालियां बजा करके मुझे याद है। आइए फिर आपसे एक रिश्ता जोड़ू। आज करता हूँ कि गजल श्रृंगार करके चूड़ियां फनकाने लगती है। क्या बात है, गजल श्रृंगार करके चूड़ियां खनकाने लगती है। तुम ही हो जिनसे मिलकर शायरी की तराने लगती है। गजल श्रृंगार करके चूड़ियां खनकाने लगती है। तुम ही हो जिनसे मिलकर शायरी की तराने लगती है। मुझे अल्लाह ने एक खास खूबी से नवाजा। क्या बात है, शेर सुनिएगा कि मुझे अल्लाह ने एक खास खूबी से नवाजा है। जिन्हें छूता हूँ उन लफ्जों से खुशबू आने लगती। मुझे अल्लाह ने एक खास खूबी से नवाजा, जिन्हें छूता हूँ उन लफ्जों से खुशबू आने लगती है। और तुम्हारे जिस्म को छूकर जब आता है कोई छोटा। क्या तुम्हारे जिस्म को छूकर जब आता है कोई छोटा, निबोली नीम की भी शहद का टपका नहीं। मेरी जिंदगी का एक सच्चा शेर कि तुम्हारे जिस्म को छूकर जब आता है कोई झोंका, निगोली नीम की भी शहस्ता टपकाने लगती है। और मेरी जिंदगी का एक सच्चा शेर कि किसी का दिल दिखाकर जब भी दो पैसे कमाता। किसी का दिल दिखाकर जब भी दो पैसे कमाता हूँ, मुझे खुद रोटियों से खून की बू आने किसी का दिल तुम्हारे जिस्म को छूकर जब आता है कोई छोटा।